हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गाइस कंप्रेसर। बहुत सारे लोगों को कंप्रेसर के बारे में पता नहीं यार। आप हवा फिल करने के लिए जिस टायर की दुकान पर जाते हो, हवा फिल करते हो, वो एक कंप्रेसर है, वो बड़े साइज में है, ठीक है। वैसे एक स्मॉल साइज में एक कंप्रेसर आता है, आप उसका इमरजेंसी में यूज करते हो, कार के अंदर आप उसे रखते हो। 12 वोल्ट डीसी के ऊपर वो ऑपरेट होता है, जो कि मेरे सामने पड़ा है जिसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस कॉम्प्रेसर को बहुत सारे लोगों ने देखा रहेगा, या तो फिर इसमें से अलग अलग क्वालिटी के भी आते ठीक है। इससे सस्ता भी आता है, ये तो हो गया, मैं 1.5-2 हज़ार तक ये मिलता है ये वाला कॉम्प्रेसर। और इसका जो आउटपुट फ्लो है गाइस, वो 1 मिनट में 150 लीटर इसका ईयर आउटपुट में मिलेगा। तो इसे आप प्लग को कार के साथ प्लग इन करके इसका यूज़ आप कर सकते हो। तो इसके अंदर ऐसा क्या राज है, ये हवा कहाँ से लाता है, ये इतना सा, इसके अंदर तो कुछ ऑलरेडी हवा नहीं है, ये हवा लाता कहाँ से है? अपना ये ईयर खींच के उसको एक कॉम्प्रेस करके ये देता है हमें, कॉम्प्रेस करके डायरेक्ट टायर के अंदर फिल करता है। टायर का जो वॉल लगा रहता है, वॉल पिन, वॉल के अंदर एक बार ईयर एंट्री कर लेता है तो वो बाहर नहीं आ पाता, वो उधर लॉक हो जाता है, तो इसको खाली उसके अंदर फिल करना पड़ता है। तो इसके अंदर हवा कंप्रेस करने का इतना पावर कैसे आता है, इसके अंदर क्या राज है, क्या मैकेनिज्म इसके अंदर लगाया है, तो यही हम आज की इस वीडियो में देखने वाले। इसको पूरा ओपन करेंगे और इसके अंदर जाकर देखेंगे भाई इसके अंदर क्या मैकेनिज्म लगाया है जिससे ये इतना पावरफुल बन चुका है। तो इसका स्टडी हम इस वीडियो में करने वाले गाइस। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं प्रमद और आप देख रहे हैं समर्था टेक्निकल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंप्रेसर के जो साइड से चारों नट बोल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको अंदर कुछ बेरिंग देखने को मिल रहा है और बेरिंग के बैक साइड में लगा है आर्मेचर, जो कि 12 वोल्ट डीसी पर वर्क करता है। अभी ऊपर के साइड से भी हम इसे ओपन कर लेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या ऐसा सिस्टम उन्होंने लगाया जिससे ये इतना पावरफुल बन चुका है। सो ऊपर के भी चार नट बोल्ट आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो कवर है वो भी हम निकाल लेंगे। नट हमारे ओपन हो चुके हैं और जो प्रेशर मीटर आपको दिखाई दे रहा है वो पूरा बाहर निकल जाएगा। उसको निकाल कर साइड में रख देंगे और फिर उसके अंदर हमें मिल चुका है एक प्लास्टिक का बॉडी, मतलब जो कि पिस्टन के लिए, सेफ्टी के लिए उन्होंने बॉडी बनाया है शायद। और इसके अंदर मुझे पिस्टन देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे बाइक में या कार में होता है, वही जो पिस्टन यहाँ पर वर्क कर रहा है। मतलब बैक साइड में मोटर है, आर्मेचर है, आर्मेचर इस बेरिंग के मदद से पिस्टन को हिलाता है, मतलब पिस्टन को मूव करता है ऊपर नीचे, जिससे कि पिस्टन एक साइड से जब नीचे आता है तब ईयर अंदर खींचता है बाहर का ईयर, और जब पिस्टन ऊपर जाता है तो वही ईयर जो आउटपुट में हमें बाहर मिल रहा है। बस यही इसके पीछे, यही सिंपल लॉजिक बनाकर इन्होंने ये सिस्टम बनाया। अभी आप देख सकते हो कैसे पिस्टन ऊपर या नीचे होता है और इसके अंदर से जो ईयर निकलने के लिए यहाँ पर होल की है, जो कि आप देख सकते हो, यही सिस्टम पर ये वर्क करता है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। हो सके तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिल जाए। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।